ओके, स्विच बोर्ड सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी पे हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं और बस आज यही लैब कराएंगे ड्यू टू हैवी कोल्ड एंड फीवर। ओके, तो बस इस लैब को कराने के बाद एंड करेंगे सेशन। सो थोड़ा सा मैनेज करेंगे सभी लोग। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्विच बोर्ड सिक्योरिटी। अब ये स्विच बोर्ड सिक्योरिटी क्या है, कैसे फंक्शन करता है और सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे इन सभी डिवाइसेस को डिलीट कर देता हूँ, एक फ्रेश यहाँ पे स्विच ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग स्विच की सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, राइट? तो स्विच की सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्विच है। और जैसा कि अभी प्रीवियस लैब आप लोगों ने किया है, सिमिलर लैब है, कुछ ज्यादा वो नहीं है। तो हमने यहाँ पे दो पीसी लिया और एक इंट्रूडर को ले लेते हैं। इंट्रूडर कोई अननोन बंदा, अगर हमारे स्विच को कोई भी तरीके का भी पीडीयू मैसेज या कोई ट्रैफिक सेंड करता है, तो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं पर पोर्ट, आप कैसे मैक एड्रेस अलाउ करते हैं ताकि स्विच उसी को अलाउ करे जिसका मैक एड्रेस रिकॉग्नाइज कराया जा चुका है। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, इन सभी का कनेक्शन आपको कर लेना है। सॉरी, ये वाला जो कनेक्शन है इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने एक कनेक्शन कर दिया। इन सभी डिवाइसेस को एक आईपी एड्रेस भी अलाउ कर देते हैं, जैसे इसके लिए 10.0.0.10 कर दिया, इसके लिए 10.0.0.20 कर दिया। तो इतना कर देने के बाद अब हमारा ये डिवाइस ऑन हो जाए। देखो, पोर्ट सिक्योरिटी थियरी में यहाँ पे इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा, सिंपल ये होता है कि आप प्रीवियस सारी लैब को देखते आ रहे हो कि हमारा जो स्विच है वो बीपीडीयू मैसेज सेंड कर रहा है, जो भी हमारे होस्ट है वो भी बीपीडीयू मैसेज सेंड करते हैं ताकि उनके बीच में रूट का इलेक्शन हो। तो यहाँ पे अननोन ट्रैफिक अगर हमारे स्विच को रिसीव हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, स्विच डाउन हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें। क्योंकि अगर हम लोग रियल डिवाइसेस पर इसको मॉनिटर करते तो हमें ये देखने को मिलता कि हमारा डिवाइस का जो प्रोसेसर है वो कितना ज्यादा यूज हो रहा है। सो स्पेस सीपीयू स्पेस, आगे हम लोग देखने वाले हैं इसको, सीपीयू स्पेस एंड क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा। सो स्पेस प्रोसेस स्पेस सीपीयू, तो यहाँ पे प्रोसेस हम लोग चेक कर सकते हैं। प्रोसेस से सिंपल टाइप करके एंटर कर दो, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे ऐसे ही वर्क करती हैं, लाइक सो स्पेस प्रोसेसेस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन 0 है। तो हम लोग अगर मैक ऑफ अटैक भी करते हैं, मैक एड्रेस अटैक भी करवाते हैं, तो उससे अभी यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये काफी लंबा लैब है। तो रियल डिवाइस का मैं नेक्स्ट लैब में कराऊंगा, कैसे क्या है, अटैक करके देखेंगे हम लोग कि कैसे उस अटैक से बच रहे हैं। बट अभी सिक्योरिटी इनहेंस करने का स्टेप हम लोग देखते हैं। तो सिंपल, मैंने यहाँ पे अपने स्विच को कनेक्ट किया दो पीसी के साथ और दोनों पीसी कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। और थोड़ा सा मैं लैब इधर कर दूं, ये ऐसे, इसका आईपी एड्रेस ये है, इसका आईपी एड्रेस ये। तो स्विच पर अगर मैं टाइप करूं सो स्पेस मैक स्पेस एड्रेस टेबल और एंटर करूं, तो हमारे स्विच को कोई भी मैक एड्रेस टेबल अभी पता नहीं। तो मैक एड्रेस टेबल इनहेंस करने के लिए हमें सभी कंप्यूटर सिस्टम को आईपी देना होगा ताकि कन्वर्सेशन स्टार्ट हो पाए। तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया एक आईपी और इस वाले पीसी को भी एक आईपी दे देते हैं, जो कि 10.0.0.20। कोई भी एक आईपी आपको अप्लाई कर देना है। तो 10.0.0.20 मैंने कर दिया। अब मैं इस पीसी से 10.0.0.10 को पिंग कर लेता हूँ। पिंग स्पेस 10.0.0.10 को रिप्लाई आ रहा है क्योंकि पैकेट हमारा यहाँ से ऐसे सेंड हो रहा है। और डायरेक्टली अगर मैं यहाँ से पैकेट रिसीव करता हूँ, पीडीयू का यहाँ पे सेंड करता हूँ, सक्सेसफुली जा रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे टेबल को डिटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे पोर्ट 1 और पोर्ट 2 का मैक एड्रेस आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है और डिटेल आ गया। क्योंकि जब तक स्विच कनेक्ट नहीं करेगा किसी डिवाइस को, आपस में कन्वर्सेशन नहीं होगा, स्विच के पास डेटा एंट्री नहीं आएगा। तो स्विच ब्रॉडकास्ट करता है मैसेजेस को, सभी को पता है, फर्स्ट टाइम, एंड देन मल्टीकास्ट करता है, यानी का
तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास या हमारे स्विच को एड्रेस पता चल गया। आप किसी भी पीसी पर आएंगे अगर, और एक सिंपल कमांड टाइप करेंगे ARP -A, तो यहाँ पे आपको ARP की डिटेल मिलेगी, लाइक ARP -A। तो वही तो टाइप किया था, नो एंट्री फाउंड, कोई भी एंट्री यहाँ पे फाउंड नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग पिंग कर लेते हैं 10.0.0.20 को, आ गया। अब एक बार देखते हैं क्या कोई एंट्री मिल रही है, तो एक एंट्री यहाँ पे मिल गया, क्योंकि स्विच को पता चल गया कि हाँ एक होस्ट है। तो जिस पीसी से आप चेक करते हो ARP डिटेल, यानी कि कैम टेबल की डिटेल, उस IP और उस मैक को हाइड करके बाकी के स्विच के साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उन सभी का डिटेल यहाँ पे मिल जाता है। जैसे मैंने 10 से चेक किया तो ये 20 के बारे में दिखा रहा है। ओके, अगर मैं 20 के पीसी से चेक करूंगा तो 10 के बारे में बताएगा, क्योंकि खुद का डिटेल वहां पे वो नहीं दिखाता। बट स्विच पर जब आप सेम मैक डिटेल चेक करते हो तो यहाँ पे दोनों पोर्ट से जो भी मैक एड्रेस होंगे वो दिखा देगा। मैं इस समय जिस पीसी से कनेक्टेड हूँ, आप देख सकते हो ये है 10.0.0.10, और इसका मैक एड्रेस अगर मैं दिखाऊं तो IP config /all enter, तो इसका मैक एड्रेस यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 030 और ये करके, जो कि पोर्ट नंबर 2 से कनेक्टेड है। एक बार इस पोर्ट को मैच करो अपनी मैक एड्रेस की टेबल से 2 से, तो 0030A3BC, आप देखो वही है, डिटेल मैच हो गया। क्यों? हाँ सर, अब जब डिटेल हमारा मैच हो रहा है ना, तो फाइनल हम लोगों को क्या करना है कि इस मैक एड्रेस को इसी पोर्ट के लिए अलाउ कर देना है, ताकि अगर कोई भी अटैक होता है या कोई भी अनवांटेड मैसेज, मान लिया कि ये पीसी इसी पोर्ट से कनेक्ट हो जाता है या इसी केबल को ये यूजर यहाँ पे चाहता है कि इसके साथ मैं कनेक्ट करके काम करूं, ऐसा कुछ, तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि ये स्विच रिकॉग्नाइज करे कि इसी डिवाइस के साथ हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन कर देंगे इस पोर्ट को। तो वो अब यहाँ पे मैनेज करने जा रहे हैं। तो हमारा पीसी ऑन, सॉरी, सारी चीजें इनेबल हो गया है, पीसी वर्किंग में है, स्विच को सारा टेबल पता चल चुका है, 100 स्पेस मैक एड्रेस टेबल अभी यहाँ पे हाइड हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने डिलीट किया था या रीस्टार्ट, वो स्विच का पोर्ट कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया था। फिर से यहाँ पे इसको अलाउ करने के लिए हम लोग यहाँ से PC to PC कन्वर्सेशन कर लेते हैं, एंड देन यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें डेटा यहाँ पे आ गया। आ गया, तो अब यहाँ पे ये मैक एड्रेस मुझे इसी पर अलाउ कर देना है। तो अलाउ करने के लिए फाइनल जो हमारा कमांड है कैसे अप्लाई होगा, लेट मी शो, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाएंगे, होस्ट नेम अगर चेंज करना है तो कर देंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। इंटरफेस स्पेस, अब स्विच का पोर्ट आपको एक्सेस मोड में अलाउ करना है ताकि पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल हो पाए। बाय डिफॉल्ट जो हमारा स्विच होता है वो कोई भी पोर्ट सिक्योरिटी 100 स्पेस पोर्ट सिक्योरिटी एंटर, यहाँ पे कोई डिटेल नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे स्विच पर किसी भी तरीके का कोई भी पोर्ट सिक्योरिटी अभी इनेबल नहीं है। एंड इफ यू वॉन्ट टू चेक स्पेसिफिक पोर्ट सिक्योरिटी देन यू कैन टाइप 100 स्पेस पोर्ट सिक्योरिटी स्पेस इंटरफेस F0/2 enter। तो इस F0/2 के बारे में ये डिटेल बता रहा है कि यहाँ पर आपका डिसेबल है अभी पोर्ट सिक्योरिटी, सिक्योर डाउन है, शट डाउन मोड, वायलेशन मोड है। अभी मैं बता रहा हूँ ये सब है क्या, मेन चीज हमें ये देखना था कि अभी हमारा जो पोर्ट सिक्योरिटी है वो है डिसेबल, कोई भी मैक एड्रेस यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है, और किसी ने भी अनवांटेड ट्रैफिक भी नहीं यहाँ पे सेंड किया, 0 अटैक दिखा रहा है, या वायलेशन काउंटडाउन 0 दिखा रहा है। अभी तो वायलेशन यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वायलेशन प्रोटेक्शन ये सारी चीजें, तो कैसे हम लोग इसको मैनेज करने वाले हैं पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करने के लिए। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना है और टाइप करना है स्विच पोर्ट इंटरफेस F0/2, मैं 2 पर अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो 2 का स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एक्सेस मोड आप अप्लाई करेंगे, एंड देन यहाँ पे आप टाइप करेंगे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। बस सिंगल एक लाइन की ये कमांड है जिसके थ्रू आप पोर्ट सिक्योरिटी क्या कर पाएंगे, इनेबल कर पाएंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ से इस कमांड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, चूंकि आपको समझाना पड़ेगा और इस कमांड को नोट भी कर लेना,
स्टेप इधर उधर नहीं करना, अदरवाइज रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा प्रॉपर। तो पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल हो गया और मेरा यहाँ पे ये हो गया, दिस कमांड अलाउ यू टू इनेबल पोर्ट सिक्योरिटी। ओके, अब इतना हो जाने के बाद मैं यहाँ से वेरीफाई करता हूँ, डू शो पोर्ट सिक्योरिटी, एंटर। आप देख सकते हो पोर्ट सिक्योरिटी अभी हमारा F0/2 पर, अभी इससे पहले नहीं दिखा रहा था बट अभी यहाँ पे दिखाने लगा कि F0/2 पर इनेबल हो चुका है। ओके, और यहाँ पे शट डाउन मोड इनेबल है ताकि कोई भी अटैक करने की कोशिश करेगा, अनवांटेड ट्रैफिक सेंड करेगा, तुरंत हमारा पोर्ट क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। यहाँ पे अनदर मोड भी आ जाते हैं, लाइक 3 मोड्स अनदर मोड होते हैं, मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो सबसे बेस्ट सिक्योरिटी हमें शट डाउन मोड से मिलती है। एडमिन जब जाकर उसको रीस्टार्ट करेगा या उस पोर्ट को रिबूट करेगा तब जाकर वो पोर्ट एक्सेसिबल होगा, अदरवाइज जेन्युइन यूजर भी एक्सेस नहीं कर सकता अगर कभी वॉयलेशन यहाँ पे होता है तो। तो ये जो पर्टिकुलर कमांड है, दिस कमांड अलाउ यू टू चेक पोर्ट सिक्योरिटी डिटेल। ओके, तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ट्राई कर लिया इस मोड पे, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, बट अगर आप यही चीज आओगे बाहर से चेक करने के लिए तो 100 स्पेस पोर्ट सिक्योरिटी से आपको सेम वैसे ही दिखाएगा। ओके, तो ये दोनों कमांड क्या हो जाता है, सिमिलर कमांड है। डू लगाकर आप किसी भी प्रिविलेज की कमांड को रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की के प्रिविलेज पर एग्जीक्यूट कर सकते हो, नो इशू। तो यहाँ पे ये यह हमारा 100 स्पेस पोर्ट सिक्योरिटी मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ ताकि ये दोनों कमांड सेम। थर्ड पॉइंट, पोर्ट सिक्योरिटी तो मेरा हो गया, अब देख लूँ जरा सा पोर्ट हमारा इनेबल हुआ कि नहीं। 100 स्पेस पोर्ट सिक्योरिटी, पोर्ट सिक्योरिटी स्पेस इंटरफेस स्पेस F0/2, और अभी हमारा यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी हो चुका है इनेबल। तो सिंपल ये एक कमांड है जिसके थ्रू आप स्पेसिफिक पोर्ट को टारगेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका पोर्ट सिक्योरिटी इनहेंस हुआ, इनेबल हुआ या नहीं हुआ। टू चेक पोर्ट सिक्योरिटी, ओके स्टेटस, मैं यहाँ पे स्टेटस भी लिख सकता हूँ, स्टेटस। ओके, एंड थर्ड स्टेप यहाँ पे या फोर्थ स्टेप हमारा आ जाएगा नेक्स्ट, हाउ टू इनेबल पोर्ट सिक्योरिटी। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाते हैं एंड मैक सिक्योरिटी इनहेंस करते हैं। अभी के लिए अगर मैं इस पीसी से, इस पीसी को भी एक आईपी एड्रेस दे दूं सेम नेटवर्क का, फॉर एग्जांपल 10.0.0.30, और इस पीसी को आईपी अलॉट भी कर देते हैं यहाँ से, तो मान लिया कि ये इंट्रूडर है या हैकर का पीसी है फॉर एग्जांपल, ये नेटवर्क के अंदर का भी कोई पर्सन हो सकता है, अगर किसी भी पोर्ट को वॉयलेट करता है, रूल पॉलिसी कुछ अप्लाई है और चाहता है कि इसके पोर्ट से कनेक्ट होके हम एक्सेस कर ले इंटरनेट या कुछ भी, तो या नई डिवाइस एक्सेस कर ले कनेक्ट करके, तो नहीं कर सकता। तो अभी मैंने 30 अप्लाई कर दिया, सेम नेटवर्क है सभी का बट फिर भी ये एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी इनहांस करने जा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस स्पेस F0/2, F0/2 पर हमें लिखना है स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्वेश्चन मार्क मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे अगली कमांड होगा MAC-address, बट क्वेश्चन मार्क अप्लाई करो और आपको यहाँ पे 4 कमांड्स अवेलेबल मिल जाता है, आर्ग्यूमेंट, दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स नॉट कमांड। तो यहाँ पे आपको मिलता है MAC-addresses। ओके, तो मैं यहाँ पे ये कमांड अप्लाई कर रहा हूँ MAC-address। ओके, तो इसको अप्लाई करने के बाद अगेन क्वेश्चन मार्क अप्लाई करो, कह रहा है कि आप मैनुअल अप्लाई करना चाहते हैं या स्टिक, स्टिक की मतलब जो भी करंट टाइम में है वही उसके साथ स्टिक कर जाएगा। तो या तो आप यहाँ पे सिंपल टाइप कर दें स्टिक की, इज बेटर ऑप्शन, एंटर कर दें, अदरवाइज आप स्टिक की हटा दें और चेक करें कि F0/2 पे इस पीसी का मैक एड्रेस क्या है। तो यहाँ का मैक एड्रेस मैंने अभी दिखाया था ये है इसका मैक एड्रेस, इसको कॉपी करो और यहाँ पे आप कर दो पेस्ट और कर दो एंटर। देखो दोनों तरीके से अप्लाई हो गया है ना, तो आपको दोनों नहीं करना है, किसी भी एक को करना है। तो फाइनल ये कमांड है पूरा, ये मैं कॉपी कर लेता हूं और नेक्स्ट नोट पैड में मैं इसको ऐड कर दे रहा हूं। तो ये हो गया, नाउ अप्लाई, अप्लाइंग पोर्ट सिक्योरिटी। ओके, तो पोर्ट सिक्योरिटी हमारा स्पेसिफिक मैक एड्रेस के लिए अलाउ हो गया, दिस इज द मैक एड्रेस। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मोड सेलेक्ट करता हूँ कि अगर कोई भी पर्सन
हमारे इस पोर्ट को या इसके रूल को वायलेट करता है तो क्या होना चाहिए? तो अगली कमांड है स्विच पोर्ट स्पेस पोर्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन मार्क, और मैं यहाँ पे वायलेशन ऐड कर रहा हूँ, तो वायलेशन, और यहाँ पे तीन मोड है, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट करेगा, अलाउ नहीं करने देगा, है ना, प्रोटेक्टेड मोड में, रिस्ट्रिक्ट कर देगा, एक्सेस होने ही नहीं देगा, है ना, वायलेशन मोड कोई भी अगर एक्टिव होता है, बट शटडाउन मोड में क्या होता है कि आपका पूरी तरीके से वो पोर्ट डाउन हो जाता है ना, ब्लॉक नहीं करेगा, पूरी तरीके से डाउन कर देगा। जो जेन्युइन यूजर है यानी कि जो 10 PC है, ये यूजर मान लिया PC 0, ये भी एक्सेस नहीं कर सकता, PC 2 तो कर ही नहीं सकता। तो वॉयलेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया अभी, शट डाउन और एंटर कर दिया। तो सेकेंड आपका वॉयलेशन मोड यहाँ पे अप्लाई करना है, इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ लाइक दिस, ओके, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे अप्लाई करो कि अगर वॉयलेशन मोड हमारा कुछ भी ऐसे अप्लाई हो रहा है तो हमारा ये जो मैक्सिमम मैक एड्रेस है वो कितना होना चाहिए। वैसा नहीं है कि बाय डिफॉल्ट क्या डिटेल होती है, जो भी है यहाँ पे चेक करते हैं। वॉयलेशन को हटा दिया, मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट कुछ भी सेट नहीं होता है, तो मैक्सिमम हम यहाँ पे जी 1 से लेके 132 यानी from 1 to 132 मैक एड्रेसेस हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके नेटवर्क में 2 PC हैं जो इस पोर्ट को यूज करते हैं, या more than 1 PC 2 PC और up to 132 PC हैं, उन सभी का मैक एड्रेस आप 1 by 1 करके इस पोर्ट पे अलाउ कर देंगे, तब कोई भी पीसी अगर चेंज होता है तो इसके अगर एंट्री में मैक एड्रेस मिलेगा तो वो इजिली उसको अलाउ कर देगा, अननोन मैक एड्रेस को अलाउ नहीं करेगा। सो दिस इज द रेंज। तो ऐसा नहीं कि एक ही पोर्ट पे एक ही मैक एड्रेस अलाउ कर सकते हैं, यू कैन अलाउ मोर देन वन आर up to 132 मैक एड्रेसेस एज पर स्विच कन्फिग्रेशन, जितना स्विच वहां पे कन्फिग्रेशन के लिए अलाउ करता है। तो क्वेश्चन मार्क हमेशा यूज करें कोई भी वैल्यू को देखने के लिए, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू या फर्दर आर्ग्यूमेंट्स को देखने के लिए, कमांड्स को देखने के लिए, जो भी है ये सारी चीजें। तो मैंने यहाँ पे जस्ट मैक्सिमम लिखा, और मैक्सिमम मैं 1 करता हूँ, मुझे एक ही PC अलाउ करना है, तो बस इस कमांड को भी मैं यहाँ से कर लिया कॉपी एंड मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? हेलो, हाँ जी सर। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी मैक्सिमम 1 PC। अब देखो क्या होता है कि अगर ये दोनों पीसी आपस में मैसेज सेंड कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है नेटवर्क में, नहीं हो रही है, क्योंकि अभी सिर्फ नोन नेटवर्क के अंदर हो रहा है। इन केस अगर ये पीसी आता है और इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, अभी देखो क्या हो रहा है, पहले बाय डिफॉल्ट इधर कनेक्शन होने देते हैं, देखते हैं कनेक्शन हो जाता है या नहीं होता है। कनेक्शन हो जाएगा वैसे, बट फर्दर आगे वो डेटा सेंड कर पाएगा दूसरे पीसी को कि नहीं, देखते हैं। सो स्पेस, अभी जब तक वो ग्रीन हो रहा है, हम यहाँ पे कुछ कमांड आपको दिखा दे, ट्रबल शूट करके एग्जिट करना है भाई, EXIT एग्जिट, सो स्पेस पोर्ट सिक्योरिटी एंटर। अब देखो यहाँ पे करंट एड्रेस 1 अलाउ हो चुका है, 1 मैक एड्रेस अलाउ है, शटडाउन मोड है, और किसी ने भी रूल वायलेट नहीं किया, अभी यहाँ पे 1 एंट्री आ जाएगा। और अगर मैं सो स्पेस पोर्ट सिक्योरिटी स्पेस इंटरफेसेस स्पेस F0/2 लिख कर एंटर करता हूँ, तो देख सकते हो 1 मैक एड्रेस यहाँ पे अलाउ है, 1 मैक एड्रेस, ओके, क्लियर है ये? अब देख हाँ सकते हो जी पूरी डिटेल यहाँ पे। अब मैं इसके रूल को वायलेट करने जा रहा हूँ, इस पीसी से मैं कोई ट्रैफिक सेंड करता हूँ, जैसे इससे इसको, अभी देखो क्या हुआ, ब्लॉक हो गया, डाउन हो गया पीसी, ये देख सकते हो इंटरफेस स्टेट टू डाउन हो गया, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मुझे डिटेल दिखाओ, तो ये कह रहा है कि 1 वायलेशन काउंटर हुआ है यहाँ पे, किसने किया है और कैसे हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है कि VLAN मैक एड्रेस डिटेल में ये कुछ डिटेल आ रही है ना, यानी कि इस मैक एड्रेस से कुछ वायलेशन हुआ है, राइट, यहाँ पे चेंज हुआ है, तो इसने क्या कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये एंट्री थी ही नहीं, इसको पता था कि ये एंट्री है तो इसको मुझे अलाउ करना है, तो यहाँ पे 0 था, बट जब चेंज हुआ तो यहाँ पे कहा कि वायलेशन हुआ है, और वायलेशन कैसा हुआ है, शटडाउन का हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, सिक्योर वायलेशन हुआ है, शटडाउन का हुआ है, क्लियर हो गया। अब ये पोर्ट डाउन हो गया, अब अगर ये चाहता है कि अरे भाई ये गलती से क्या हो गया, अब तो एडमिन को पता चल जाएगा, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन है ये कि
किसी भी सिचुएशन में ऐसा अगर होता है तो आप पोर्ट सिक्योरिटी इनहेंस कैसे कर रहे हो वो मैं बता रहा। तो मैंने जस्ट यहाँ सिनेबल किया और अब देखो यहाँ पे ये भी डाउन हो गया है ना, क्योंकि मैंने क्या बताया ये भी एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि शटडाउन मोड अप्लाई किया गया। तो फाइनली यहाँ पे अगर इसको रिकवर करना है तो एडमिन को बोलना पड़ेगा कि सर जो पीसी नंबर F0/2 से पोर्ट है, या वो देखेगा ये कंप्लेन करेगा कि मेरा पीसी कनेक्ट नहीं हो रहा है, डाउन है, या सारी चीजें, तो ये चेक कर सकता है। सो इस पे पोर्ट सिक्योरिटी से पूरी डिटेल इसको पता चली जाएगा एंड देन फाइनली ये बोलेगा ठीक है एक काम करो इंटरफेस F0/2 ये रिकवर कैसे करेगा, सिंपल शटडाउन मोड करेगा एंड देन नो शटडाउन करेगा एंटर कर देगा। अब यहाँ पे हमारा मोड एक्टिव हो जाएगा। अब अगर ये पीसी सेंड करेगा डेटा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखो सक्सेसफुल राइट, देखो फेल के बाद सक्सेसफुल, वंस अगेन ये फेल सक्सेसफुल, ठीक है। तो पोर्ट सिक्योरिटी इस तरीके से इनहेंस करते हैं। अभी इसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट अटैक्स होते हैं, लाइक मैक स्पूफ अटैक होता है, मैक एड्रेस को चोरी कर लिया जाता है। अभी इसके आगे का अटैक मैंने क्या बताया था कि आप लोगों को सिक्योरिटी ऐड कर रहा हूँ, तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट लैब में करेंगे, अभी उसके लिए लाइव लैब एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा या नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि अगर ठीक है हमने एडमिन को ये बोला कि अब हमारे स्विच पर कोई भी अननोन मैक एड्रेस नहीं आ सकता क्योंकि मैंने मैक एड्रेस यहाँ पे अलाउ कर दिया। अब इस थियरी को समझो जो कि अगली लैब में यूज होने वाला है। तो यहाँ पे जो एडमिन था इसने बोला कि ठीक है मैंने यहाँ पे इसका मैक एड्रेस फॉर एग्जांपल ए है और इसका मैक एड्रेस बी है, मैंने इस मैक एड्रेस को इस पोर्ट पे और इस मैक एड्रेस को इस पोर्ट पे रजिस्टर कर दिया। इसने टेबल बना के ए को बोला कि ठीक है F2 को लिए रजिस्टर है और बी को बोला कि F1 के लिए रजिस्टर है, बट मे बी इसने इसको कनेक्ट कर लिया और ये बोलता है कि सेम नेटवर्क हूं मैं भी, या हैकर अटैकर का ऐसे पीसी हो सकता है, तो वो राउटिंग करके या डिफरेंट डिफरेंट आईपी भी पिंग हो जाती है आपको पता ही होगा, और अननोन ट्रैफिक अगर किसी भी तरीके सेंड करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये पोर्ट डाउन हो जाएगा। ओके अगर डाउन हो गया तो क्या ये जो मैक एड्रेस ए है हैकर इसकी टेबल में किसी भी तरीके से अगर अटैक कर लेता है, कोई भी तरीके का इसका पैकेट कैप्चर कर लेता है या इसको मैसेज कर लेता है किसी भी तरीके, कोई भी नेटवर्क के पीसी के साथ अगर जाता है और एआरपी टेबल चेक कर लेता है तो इसको पता चलेगा कि भाई 2 नंबर पोर्ट पे जो मैक एड्रेस है ए है और ए को एक्सेस अलाउ किया गया है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो ये अपना मैक एड्रेस अगर सी है तो इसको रिप्लेस करेगा फॉर टेम्परेयरली और रिप्लेस करके इसको बोलेगा कि अभी मेरा मैक एड्रेस ए है, तो स्विच इसके भी और इसके भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे फिर हमारा कोई भी तरीके का डेटा है वो आसानी से इसको भी कैप्चर हो जाएगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मैक स्पूफ जो अटैक होता है, मैक ऑफ अटैक होता है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो आगे हम लोग पी सिक्योर वायलेशन और ये सारी चीजें देखने वाले हैं। अभी कोई डाउट? तो हेलो इसमें जैसे पीसी चेंज होता है, ठीक है, अगर कोई दूसरा नोड कनेक्ट होता है उसमें, ठीक हाँ है, तो फिर उसकी पोर्ट सिक्योरिटी, फिर उसका मैक डिफाइन करना पड़ेगा जब हाँ डिफरेंट, करना अगर पड़ेगा उस ओके अगर आप अलाउ करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक ही अलाउ किया हुआ है और आप चाहते हो कि अनदर मुझे आगे चल के 2 महीने बाद पीसी चेंज करना पड़ा, आईसी कार्ड चेंज करना पड़ा, या अनदर 2-3 और पीसी हैं जो इस पोर्ट को यूज करने वाले हैं, तो आप डिफाइन करेंगे सेम प्रीवियस कमांड रिकॉल करेंगे जो कि यहाँ पे 1 की जगह आपको 2 है तो 2 कर देंगे, ठीक है, और दोनों मैक एड्रेस यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे जो कि यहाँ पे मैक एड्रेस की कमांड है ना, सो स्पेस मैक एड्रेस एंड स्टिकी कर लें बेटर है, बट स्टिकी में क्या होता है ना कि वो मैक एड्रेस अगर उसके पास उस पोर्ट पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, फ्लैश नहीं कर रहा है, तो वो स्टिकी कहाँ से काम करेगा है ना, तो बेटर है कि आप पीसी का मैक एड्रेस IP config/all से देखें एंड देन उसको यहाँ पे मैनुअली टाइप कर दे। तो दोनों कमांड मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिया था है ना, ये क्लियर है। अच्छा स्टिकी वाला यहाँ पे कमांड मैंने नहीं टाइप किया है, मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ लाइक दिस। ओके स्टिकी, स्ट्रिंग तो केस में क्या होगा सर वैसे? ऑटोमेटिक उस मैक एड्रेस को ये उस पर समझ लो कि ये चिपका देगा, ठीक है। तो जैसे पहले टाइम, जब फर्स्ट टाइम वो हाँ अटैच होगा तो वो रजिस्टर कर लेगा एक तरह से मैक रजिस्टर एड्रेस कर में। लेगा
है ना। लेकिन ओके, मान मतलब लिया इस कि, टाइम में फिर ये भी हुआ ना कि वॉयलेशन भी हो सकता है ना फिर इसका। हाँ वॉयलेशन, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके पास फ्लैश मैसेज नहीं है या इसके पोर्ट पे वो अपडेट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो कोई भी पहले आएगा वो उसको अलाउ कर देगा, है ना। तो बेटर है कि आप मैनुअल कर लें, दोनों ऑप्शन है ना, बेटर ऑप्शन है या ज्यादा सिक्योर है आपका मैनुअल। ओके, और एक अलाउ करें एटलीस्ट, राइट, सर अगर क्योंकि अगर आप, 24 पोर्ट का या 48 पोर्ट का कोई स्विच है, उस हाँ हिसाब से देखा जाए तो पूरे 48 पे ही पोर्ट सिक्योरिटी लगा देनी चाहिए, है हाँ ना राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके इससे देखो पोर्ट सिक्योरिटी इनहेंस बस कर लेना, आपको मैक एड्रेस अलाउ कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये अलग बात है, राइट। आप एटलीस्ट पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करके रखे ताकि कोई भी अगर उसमें आए तो आसानी से डेटा रीड ना कर पाए, राइट। तो पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, जो ये मैक एड्रेस की पॉसिबिलिटी है कि ये मैक एड्रेस तो हैकर अटैकर कॉपी कर सकता है, मैं लाइनेक्स की मैं मशीन इंस्टॉल करूंगा, काली लिनेक्स, और वो दिखा दूंगा आप लोगों को, आप लोग प्रैक्टिस करना होगा, तो जैसा मैं लैब दिखाऊंगा वैसे आप बना सकते हैं, बट लेंदी प्रोसेस होगा। लाइक आपको काली लिनेक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, लाइव मशीनें होंगी, है ना, विंडोज 7 8 10 कोई भी एक, एंड देन रियल iOS डिवाइस होगा यानी स्विच होगा आपके पास, तो इसको, इस अटैक को परफॉर्म कर सकते हो, राइट। बट मैं दिखा दूंगा, इन केस प्रोडक्शन में ऐसा कुछ होता है तो आप देख लेंगे, और आपके वीडियो सेक्शन में वो सारी चीजें हैं, है ना, कभी जरूरत पड़े तो उसको आप देख के अपना मेंटेन कर सकते हैं। ये कमांड का नोट पैड आप वो यूज कर सकते हो या तो फिर तो स्क्रीनशॉट ले सर ये सकते जो हो। अटैक होता है तो ये अटैक मोस्टली अगर इस केस में, क्योंकि ऑलरेडी स्विच तो ऑलरेडी डबल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है इंक्रिप्टेड में, ठीक है, तो अगर ये केस होता है तो किसी पीसी के थ्रू ही होगा मतलब, है ना पीसी राइट? के थ्रू होगा, यस, ओके क्योंकि पॉसिबल मैसेजेस हम लोगों ने देखा कि लास्ट जो हम लोगों के मैसेजेस थे लाइक BPDU स्पैनिंग ट्री, तो वो क्या होते हैं कि एक बोलता है कि मैं रूट हूं, तो मान लिया हैकर अटैकर भी तो अपने पीसी को एज अ लोवेस्ट प्रायोरिटी पे मैसेज सेंड करवा सकता है, यस और नो, है ना। तो ये सारी चीजें, तो इस कंडीशन को भी देखकर ये सारी चीजें अप्लाई किया जाता है, और इस पोर्ट सिक्योरिटी को और ज्यादा इनहेंस करते हैं। मैंने क्या बताया, नेक्स्ट लैब तक अगर आप लोग देखेंगे तो इसको मैक बेस पर भी सिक्योर कर लेंगे, फिर ये एक्सेस कर ही नहीं सकता। आईपी बेस पर सिक्योरिटी इनेबल नहीं किया जाता है, क्योंकि आईपी किसी का भी कुछ भी हो सकता है, राइट, कोई भी आईपी यस रूट करवा सकता है। तो आईपी ये से नहीं होता है कि दुनिया में अगर देखा जाए बहुत सारे रवि रवि लोग होंगे, है ना, बहुत सारे होंगे, लेकिन क्या सबका फिजिकल एड्रेस एक होगा? नहीं ना। तो ये ओके होता है कि फिजिकल एड्रेस यूनिक होता है और एक को ही अलॉट होता है, राइट। तो ये सारी चीजें, तो इसको प्रैक्टिस करेंगे। मैं आगे की लैब दिखाता बट थोड़ा सा फिट नहीं है वो तो कल सभी ने बोला कि ठीक है सेशन, और काफी उधर गैप भी हुआ, तो मैंने कहा ठीक है एक सेशन करते हैं छोटा सा, राइट। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोग,